हाई एवरी वन, दिस इज फैंसी एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज का वीडियो है एक ड्रेस हॉल। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग हॉल नहीं है, तो मैंने एक्चुअली शॉपा स्टॉप से मैंने परचेस किए थे, तो मुझे कुछ चाहिए था तो इसलिए मैंने परचेस किए। तो इसमें जीन्स वगैरह और टॉप्स भी है, तो हर एक का लुक बुक मैं हो सके तो मैं यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसका रिव्यू भी मैं दूंगी। तो चलिए विदाउट अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरा फर्स्ट जो परचेज है वो है एक जीन्स। हम पहले जीन्स के साथ बॉटम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक मॉम जीन्स और ये कपड़े का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है और ये स्ट्रेचेबल है, मतलब कोई भी मतलब पहन सकते हैं इधर उधर अगर होता है तो। तो मेरा एक्चुअली मीडियम होता है तो, लेकिन इसमें मेरा मतलब स्मॉल साइज आ रहा है। तो ये कलर ऐसा है, थोड़ा सा एश टाइप का कलर है और ये मेरा एंकल लेंथ तक ही जाएगा। और ये मॉम जीन्स है और यहाँ पे देखिए ये चार बॉटम दिया हुआ है और इसका जो क्वालिटी है और बहुत मतलब कंफर्टेबल है। और शॉपा स्टॉप का तो प्रोडक्ट अच्छा ही होता है, तो आप पहनने के बाद हम देखेंगे। और प्राइस इसका लिए थे 2499 लिए थे, थोड़ा सा प्राइसी है लेकिन हाँ मतलब वो मुझे डिस्काउंट में मुझे कितना मिला मुझे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे लिए बहुत एप्ट प्रोडक्ट है क्योंकि मुझे इस कलर का मुझे चाहिए था। तो मेरा जो नेक्स्ट जो परचेज है वो है एक ब्लैक कलर का जीन्स। तो ये भी मतलब हाई वेस्ट जीन्स है, तो मतलब मेरा ऑफिस के लिए मुझे चाहिए था तो मतलब शार्ट टाप करके, तो इसलिए मैंने लिए ये ब्लैक कलर वाला। और ये भी मतलब मेरा एंकल लेंथ तक ही मेरा जाता है और पीछे वाला जो है वो मतलब ऐसा ही है, सिंपल है। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है और ये भी स्ट्रेचेबल है। तो मेरा तो मतलब ये देखिए स्मॉल साइज लिखा हुआ है, मेरा मतलब स्मॉल गया है। एक्चुअली मेरा मीडियम होता है लेकिन इसमें मेरा स्मॉल आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, स्टाडी है और गर्मी के लिए बहुत ही एप्ट प्रोडक्ट है। तो हर एक का मैं लुक बुक मैं दे दूंगी, तो यहाँ पे आप देख लेना। तो आप चलते हैं, मेरा फेवरेट जो है वो है टॉप। तो मेरा जो फर्स्ट जो परचेज है वो है ये, मैंने एक्चुअली मतलब समर को मतलब रखते हुए तो मैंने बहुत कंफर्टेबल मैंने चॉइस किए। तो ये एक स्ट्राइप वाला है और इसका नेक जो है ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे तक जाता है, तो बहुत मतलब डीप है और बहुत विड्थ में बहुत ब्रॉड है ये। तो इसको देखते हैं मतलब कैसे हम मतलब इसको पहनेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये वाला जो स्लीव्स है ये ऐसा है और पीछे से सेम टू सेम है, बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मुझे एक मुझे चाहिए था स्ट्राइप वाला, ये मुझे पसंद आया तो इसलिए मैंने लिए। तो इसका भी लुक बुक हम दिखा देंगे। मेरा नेक्स्ट जो परचेज है वो है बहुत मतलब मेरा फेवरेट कलर है ये, मतलब इतना सूदिंग है, बहुत ही सिंपल है लेकिन स्टिल मतलब ये बहुत यूनिक है डिजाइन। तो ये थोड़ा सा वो मैगी हाथा टाइप का है, इसमें देखिए ऐसे मतलब अलग से स्लीव्स नहीं है और यहाँ पे नेट का काम किया हुआ है और पूरा मतलब इसको मतलब कौन सा कलर लग रहा है पता नहीं, लेकिन कलर बहुत सूदिंग है, मतलब समर सीजन के लिए बहुत एप्ट है। और ये ऐसा है पीछे से, ये ऐसा, तो
ये वाला जो कपड़ा जो है, कपड़े का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने इसको ले लिए। मेरा थर्ड जो टॉप है वो है एक रेड कलर का, ये भी बहुत यूनिक सा है। तो मतलब एक्चुअली कैमरा में प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैरूनिश टाइप का है लेकिन कैमरा में नहीं दिख रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे नेक में नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये यूनिक सा एक डिजाइन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं ये थोड़ा डिजाइन है, तो ये ऐसा है, और नीचे से ये सिंपल है, पीछे भी सिंपल ही है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, और कलर क्यों ऐसा दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये एक्चुअली मैरूनिश कलर है, तो हम यहाँ पे लुक बुक दे देंगे। मेरा नेक्स्ट जो टॉप है वो है ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक ब्लैक हम परचेज ना करें ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको मैंने एक बार मैंने पहन लिए, तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, देखिए ये मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं है, स्लीव्स है ऐसे इस टाइप का, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये सेल्फ डिजाइन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक काट है, जैसे कि कुर्ती में होता है, तो यहाँ पे देखिए एक काट है, और यहाँ का यहाँ पे देखिए दो लेस टाइप का दिया हुआ है, तो ऐसे मतलब यहाँ पे टाई करने के लिए, तो ये बहुत मतलब अलग सा टाइप का है, तो इसलिए मैंने इसको लिए। तो मुझे देखने से ये बहुत पसंद आया, हालांकि पीछे से एकदम ही प्लेन ही है, और बहुत कंफर्टेबल है। मैंने एक बार मैंने पहने, मतलब जस्ट ट्राई करके मैंने देखा, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैंने इसको लिए। तो चलिए इसका लुक बुक देख लेते हैं। तो मेरा लास्ट जो परचेज है वो है एक ग्रीन कलर का, इस कलर का मेरे पास एक्चुअली नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर मैंने परचेज किए, और ये है इस टाइप का, मतलब दो लेयर इसमें है ऐसे, और यहाँ पे मतलब आपका इलास्टिक दिया हुआ है, हालांकि शायद ये कॉमन हो चुका है, लेकिन मुझे ये वाला कलर एक्चुअली बहुत पसंद आया। और यहाँ पे देखिए ये मिकी माउस का मतलब ऐसे दिया हुआ है, पीछे से भी ये लेयर जैसा है, और ये मतलब ये थोड़ा सा लिलन टाइप का कपड़ा है, तो बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इस कलर का मेरे पास नहीं था। तो चलिए लुक बुक देख लेते हैं।
a wrap in this video. I hope you liked the video. If you did so, then please give me a big thumbs up and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon to get notification first whenever I will upload my new videos. Till then, bye and take care.